सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मुइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल के एपिसोड 66 के बारे में। इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, जाके उस चीज का मजा उठाओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और दोस्तों, अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और एक लाइक का बटन भी थोक दो। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 66। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर रेड को मारने के लिए निकल चुका है गोकू, जिसके पीछे बुलमा और ये बाकी गैंग भी निकल चुकी है। जहाँ उधर रेड को लग रहा है कि भाई ये टाव आ रहा है अपने ड्रैगन बॉल्स लेके, यहाँ उनको पता ही नहीं है कि गोकू आ रहा है उनको खत्म करने के लिए। इधर ये सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं जो कि निकल चुके हैं गोकू की मदद करने के लिए। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो यामचा, बुलमा, पूरा, उलोंग और मास्टर रोशी साथ ही साथ लॉन्च इसके साथ है, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उलोंग कह देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाह रहा था। जहाँ बातों बातों में यामचा पूछ लेता है कि भाई कर्लिन क्यों नहीं आया हमारे साथ। जहाँ मास्टर रोशी कह देते हैं कि वो एक्चुअल में सामान लाने गया था, जो कि स्विमिंग करके गया था और स्विमिंग करके ही वापस घर आने वाला था, जिस वजह से हम उसे ले नहीं पाए। जहाँ यामचा कहता है कि इतनी बड़ी जो फौज है उनसे लड़ने के लिए तो अभी हमें चाहिए कर्लिन। जहाँ पर यामचा इन लोगों की बात नहीं सुनता और निकल पड़ता है कर्लिन को लाने के लिए। अब हम इधर देख रहे हैं रेड के टावर के अंदर, जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं। इनके पास नजदीक ही पहुंच रहा है, जो कि इनके टापू पर पहुंच चुका है गोकू। इनको लग रहा है वो पहुंच चुका है टाव। अब ये बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं, तो इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को भेजा है कि एक्चुअल में टाव आ रहा है या और कोई आया है वो देखने के लिए। जहाँ पर वो बंदा कह देता है कि भाई वहाँ पर एक छोटा सा लड़का मुझे दिख रहा है। अब हम इधर देख रहे हैं कर्लिन स्विम करते हुए घर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि रास्ता भटक चुका है, जिसको दिख जाता है हेलीकॉप्टर आते हुए, जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये उसे मारने आ रहा है, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। जैसे वो पानी के अंदर से और बाहर से जा रहा है, उसके जो कपड़े हैं जो कि गीले होने वाले हैं, वो उसने सर पर बांध रखे हैं। तभी वहाँ ये लोग लैंड कर जाते हैं और ये देखते हैं कर्लिन को, और कर्लिन को बुला लेते हैं कि कर्लिन तुम अंदर आ जाओ। जहाँ पर कर्लिन अंदर आता है और तब ये लोग सारी बातें बताते हैं कर्लिन को कि भाई कर्लिन, हम जा रहे हैं रेड रिबन आर्मी से लड़ने के लिए, जहाँ पर गोकू की मदद हम करने जा रहे हैं। जहाँ कर्लिन के कपड़े गीले भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर कर्लिन थोड़ा सा डरा हुआ भी है। और इसी के बीच में यहाँ पर उलोंग कह देता है कि ठीक है, तुम दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन है, यानी यामचा और बुलमा का, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। जहाँ पर बुलमा कह देती है कि मैं शादी नहीं करने वाली यामचा तुमसे, ये तुम समझ लो, बस मुझे तुम्हारी जरूरत थी एज अ फ्रेंड के तौर पे, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। अब इन लोगों को यानी रेड के टावर के अंदर पता चल जाता है कि एक हेलीकॉप्टर है जो दूर से इनकी तरफ आ रहा है। जहाँ पर इधर देख रहे हैं हम हेलीकॉप्टर में जो बंदा बैठा है, जो कि देख रहा है कि कौन आ रहा है, तो उसे देखने को मिलता है कि ये तो गोकू है, जो कि बोल देता है हेडक्वार्टर में कि ये टाव नहीं, ये छोटा सा लड़का गोकू है। जो गोकू उसको देख लेता है और उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और गोकू अभी आगे बढ़ जाता है। इधर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि ये टाव नहीं है, ये है गोकू, जो कि लाइव स्ट्रीम पे देख भी रहे है। जहाँ रेड कह देता है कि सारी आर्मी भेजो, जो भी लोग है, जो भी लोगों को छुट्टी है, वो सारे लोग यहाँ पर रेडी हो जाएंगे और वो लोग अभी बाहर आएंगे इसके ऊपर हमला करने के लिए। अब गोकू आगे बढ़ रहा है। ये जो इनकी शील्ड थी, जो कि डीएक्टिवेट थी, इसे भी रेड ने एक्टिवेट करवा दिया है। जहाँ हम देखते हैं कि जमीन से बहुत सारी मिसाइलें, ढेर सारी गोलियां गोकू के ऊपर चल रही है। जहाँ गोकू इनको पीछे छोड़ आगे भाग रहा है, जो कि कह देता है अपने निम्बस को कि भाई निम्बस तुम्हें तेज चलना होगा। जहाँ पर वो निम्बस तेज तेज आगे भाग रहा है और पीछे एक एक आतिशबाजी हो रही है, यानी उसके पीछे पीछे सारे मिसाइल्स आ रहे हैं और वो थोड़ा सा डरा हुआ भी हमें दिखता है। अब उसके पीछे लग चुकी है हीट मिसाइल, जो कि उसका पीछा करते ही जा रही है। जहाँ पर गोकू जा रहा है, उसके पीछे तीनों मिसाइल लग चुकी है, जिससे गोकू पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो जंगलों के बीच में से गुजरता है तो वो देखता है कि भाई ये तो जल्दी ही फट जाएंगे। जहाँ पर वो जंगलों के पेड़ में लगकर फट जाते हैं, जहाँ गोकू को ये देख बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब उसके सामने ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, जो कि गोकू के ऊपर एक तरफा हमला कर रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं कि रेड बहुत ही ज्यादा खुश है कि अभी इसको मार के गिराओ जल्दी से। जहाँ पर यहाँ पर बजर गिरता है और सारी सेनाएं रेडी हो रही है। तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक टावर के अंदर आ चुका है, एक बिल्डिंग में, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि टावर के ऊपर है
एक्चुअल में ड्रैगन बॉल जो कि आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो जमीन से आगे भाग रहा होता है तब उसे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन उसके सामने ढेर सारे आदमी खड़े हैं जिनके पास गोलियां, बंदूकें और बम होते हैं, जिससे बचकर गोकू एक बिल्डिंग में चला आता है जिसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है मिसाइल से, जो कि मिसाइल उसके पीछे फट जाती है। तो गोकू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है जो कि एक एक करके आदमियों को मारते जा रहा है, और इधर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लोगों को मारते हुए जा रहा है। तभी वहाँ पर वायलेट अपनी गन निकालती है जो कि सोचती है गोकू को मारे या नहीं, लेकिन वो इस तरह से फाइट करता हुआ देख वहाँ पर वायलेट मारती ही नहीं है। इधर यामचा, कलिन, उलोंग और जो लॉन्च है, मास्टर रोशी है, ये लोग जल्दी से जल्दी आना चाह रहे हैं गोकू की मदद करने के लिए, जहाँ पर उनके पीछे भी ये जो हीट मिसाइल है वो लग चुकी है जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जहाँ बुलमा अपना छोटा सा तेज दिमाग चलाती है कि भाई ये हीट मिसाइल है जो कि हीट के ऊपर ट्रांसफॉर्म होगी, तो इसके हेलीकॉप्टर का जो पीछे का हिस्सा है वो एक्चुअल में वो छोड़ देती है जो कि बूस्टर होता है, जिसको जाके वो मिसाइल टकरा जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और ये लोग बच निकलते हैं। जहाँ पर बुलमा कह रही है कि ठीक है अभी तो हम बच निकले लेकिन आगे का पता नहीं है। तभी वहाँ मास्टर रोशी आ जाते हैं बुलमा के पास, वो कहते हैं कि भाई इसके लिए तो तुम्हें किस देना ही पड़ेगा, जहाँ वो मास्टर रोशी के ऊपर चिल्ला देती है। अब इधर हम देख रहे हैं कि ये जो वॉलेट है वो एक्चुअल में सारे पैसे अपने जेब में भर रही है और वहाँ से भाग रही है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है क्या तुम उस बच्चे को रोकने नहीं जाओगी, जहाँ ये वॉलेट कह देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इधर गोकू एक प्लेन के ऊपर पहुंच चुका है जिस आदमी को वो मार देता है, वहाँ पर ढेर सारे आदमी इसके पीछे पड़े हुए है, तो वो उन्हीं में से एक शिप को उठा के सीधा फेंक देता है सामने वाले टावर के ऊपर, जिससे होता ये है इनके जो सिस्टम है वो क्रैश करने लग जाते हैं। अब इधर ढेर सारे सैनिक है जो कि ग्राउंड पे है, जो कंटिन्यूस गोलियां चला रहे हैं गोकू के ऊपर, जहाँ से गोकू भाग चले जा रहा है। और साइड में हम देखते हैं कि एक स्नाइपर वाला भी तैनात है जो कि गोकू के ऊपर स्नाइपर से अटैक कर देता है, जो कि स्नाइपर एक्चुअल में उसको एक मक्खी की तरह लगता है, जो कह देता है कि भाई बहुत हो चुका अभी तुम्हें भी मार खाना है क्या, जहाँ पर वो स्नाइपर वाला बंदा रुक जाता है। इधर अभी रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि उसके सेक्रेटरी ने कहा है कि हमें एक बेस में जाना चाहिए जहाँ पर हम बच सके। अब ये जो रेड है सेक्रेटरी के साथ अपने दूसरे बेस में यानी उसी बिल्डिंग के किसी अलग टावर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने 2 ड्रैगन बॉल अपने पास रखे हुए होते हैं, जिसको देख वो बहुत ही ज्यादा खुश है और वो ये भी कह देता है कि जितने सारे सैनिक है उनको हमला करने के लिए बोल दिया जाए। अब इधर हम बाहर देख रहे हैं कि गोकू कंटिन्यूस मारते हुए आ रहा है और एक जगह पर पहुंच चुका है बिल्डिंग में, जहां वो गैजेट ऑन करता है और देखता है कि वाकई में यहां पर ड्रैगन बॉल है या नहीं, जिसे पता चलता है कि वो ड्रैगन बॉल ऊपर है। तो वो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ रास्ता नहीं दिखता, तो वो सीधा ही दीवार फोड़ के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर होते हैं ढेर सारे सैनिक जिनको वो मारना चालू करता है। इधर अभी रेड देख रहा है कि एक्चुअल में गोकू कैसे मारते हुए जा रहा है, जहां पर रेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और साथ ही साथ यामचा, उलोंग और बाकी ये जो गैंग है जो कि गोकू की मदद करने पीछे से आ ही रही है। और दोस्तों अब क्या गोकू अपने रेड को मार पाएगा, वो ड्रैगन बॉल ले पाएगा या फिर ये रेड जीत जाएगा गोकू को मारकर, यही जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट सिर्फ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।